मैक्सिमम बेनिफिट, चाहे वो डिजीज फ्री लाइफ हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, पेन फ्री लाइफ हो, सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन में के इस प्रोसेस में मैक्सिमम बेनिफिट ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से होता है। तो सीधे बैठेंगे और यदि बैठो बैठो आप पूर्ण बलवान हैं तो तेजी से करना। इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी यंग और एनर्जेटिक सो यू कैन डू फोर्सफुली और फास्ट लाइक दिस। But if you are suffering from hypertension, heart problem, hernia, backache or any type of weakness, so you do this slowly, like this. As you do this 3 to 5 minutes daily. Bhastrika pranayam. 3 to 5 minutes, then Kapalbhati. देखो ऐसे, कितना अच्छा है। तो सब करो, बहुत अच्छा है। ऐसे ही हर सांस के साथ ओम का जप जप करते कर कपाल भाति, वन डाउन 5 मिनट। यू कैन डू दिस 10 to 15 मिनट्स, एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास। यू कैन क्योर योर डायबिटीज थ्रू कपालभाति एंड मंडूकासन। हम मंडूकासन कर चुके हैं, कपालभाति कर रहे हैं। कपालभाति, मंडूकासन एंड अनुलोम विलोम, दीज थ्री योगा प्रैक्टिसेस आर इनफ फॉर डायबिटीज। कुंडलिनी जागरण, बहुत बड़ा शब्द है योग में, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी जागरण के लिए योग, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है योग से। सब योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे, देश, धर्म, संस्कृति, मानवता, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी बनेंगे। योग से अपने बॉडी माइंड का बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बीपी शुगर का, सब कुछ का बैलेंस करेंगे। वही सुप्त शक्तियों को, सुप्त ज्ञान को, सुप्त अपने प्रतिभा को जगाएंगे, मानव से महामानव बनेंगे, डीजनरेट वे सेल्स को रीजनरेट करेंगे। भगवान ने अप्रतिम प्रतिभा दी है हमें, असीम अनंत शक्तियां दी है। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज इन अवर माइंड, अनलिमिटेड इमोशंस इन our heart and unlimited strength, power in our body. योग की प्रैक्टिस से उसको हम एक्टिव करते हैं, साइलेंट है सब मैक्सिमम। भस्त्रिका 3 to 5 minutes, कपालभाति 10 to 15 minutes डेली, छोटे बच्चों के लिए भी 5 minutes मिनिमम। अपने आप, आपका आत्म जागरण होता है, आत्म जागरण से लेकर के राष्ट्र जागरण, आत्मनिर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का अनुष्ठान यज्ञ है ये योग। कपालभाति में श्वासों को बाहर छोड़ो, रिदम के साथ करो, कंटिन्यूटी में। You can in continuity, don't break it. जब आप कंटिन्यूटी में करते हो तब आप इसका पूरा बेनिफिट एक्सपीरियंस करते हो।
कपाल भाती के बाद बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। क्या नाम है बोलो? बाह्य प्राणायाम। श्वास बाहर छोड़ करके तीन बंधों के साथ बाह्य प्राणायाम, जालंधर बंध, उदयन बंध, मूल बंध। कोशिश करो श्वास को बाहर छोड़ के, बाहर रोक देते हैं, बाहर होल्ड करते हैं और फिर करते हैं। कोशिश करो, टू फाइव टाइम्स यू टू टेल दिस बाह्य प्राणायाम। फिर इसके बाद अग्निसार, ये डायबिटीज के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए। कुंडलिनी जागरण, शक्ति पार, ये बड़े नाम सुने हैं आपने योग में। ऑटोमेटिकली कुंडलिनी जागरण होता है, शक्ति अंदर से प्रकट हो जाती है, योग शक्ति पात। फिर अग्निसार, फिर प्रैक्टिस के बाद पेट हल्का हो जाता है तो फिर घूम भी जाता है ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। थायराइड गले के लिए कम से कम एक बार तो कर लिया करो। जिनको प्रॉब्लम है 5, 7 or 11 टाइम्स यू कैन डू उज्जाई प्राणायाम एंड यू कैन क्योर योर थायराइड प्रॉब्लम थ्रू उज्जाई, सिंहासना एंड सर्वांगासन और हलासन। बस इतना ही पर्याप्त। First contract your throat, then inhale the breath with sound and hold the breath for some time. ऐसे आधा से एक मिनट में तो 2-2.5 मिनट भी रोकता हूं। फिर राइट नासिर को बंद करके लेफ्ट से या उज्जाई प्राणायाम क्या है बोलो। अब करेंगे अनुलोम विलोम। क्या करेंगे बोलो? अनुलोम विलोम। यह बाया है गंगा, बाया क्या है बोलो? दाया है यमुना, क्या है बीच में? सरस्वती। बीच में क्या बोलो? सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, लेफ्ट ईड़ा, राइट पिंगला एंड मिडल सुषुम्ना। लेफ्ट गंगा, राइट यमुना एंड इन मिडल
सरस्वती. तो त्रिवेणी इज आउटसाइड ऑल्सो एंड त्रिवेणी इज इनसाइड ऑल्सो. दिस इज इनर त्रिवेणी. हा, अंदर की त्रिवेणी में स्नान करो और फिर बाहर की त्रिवेणी में भी स्नान कर रहे ना, सूर्य उदय हो जाएगा तो पूरा हो गया. अब तो गर्मी आ रही है पूरी. अनुलोम विलोम महाराज, थे तो बड़ा ठाड़ा हो, हम तो मड़े मड़े थे, ठड़े ठड़े. और चलो, बहुत जरूरी है सबके लिए. योगी गृहस्थ सबके लिए है अनुलोम विलोम. संध्या में प्राणायाम कंपल्सरी है. अनुलोम विलोम करो सब, बहुत जबरदस्त है. अनुलोम विलोम, दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस. थ्रू योर अनुलोम विलोम प्रैक्टिस यू कैन क्योर योर हाइपरटेंशन. दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड माइग्रेन. बहत्तर करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हमारे शरीर में. 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, पंच तत्वों से बना है देह. अनुलोम विलोम कीजिए, पूरा आनंद लीजिए. कितना सुहाना मौसम है, त्रिवेणी का पावन तट है. बाहर की त्रिवेणी के साथ भीतर की त्रिवेणी में भी योगामृत में स्नान कर रहे हैं. देह को देवालय बना रहे हैं, शिवालय बना रहे. तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि. अल्टरनेटिव ब्रीथ यू कंटिन्यूअसली 5 to 10 मिनट कंटिन्यूअसली करना, रुकना नहीं. आईज के लिए बहुत अच्छा है, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, प्रज्ञा के जागरण के लिए, आई क्यू लेवल बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए. बॉडी माइंड थॉट्स एंड इमोशंस के बैलेंस के लिए, द बैलेंस ऑफ थॉट्स इमोशंस एंड एक्शंस, दिस इज योगा. अनुलोम विलोम करते रहो. ऐसी 5, 10, 15 मिनट डेली करना है अनुलोम विलोम. क्या नाम है इस प्राणायाम का बोलिए? अनुलोम विलोम. बहुत जबरदस्त है और इससे अपने आप ध्यान लग जाता है. शरीर, इंद्रियां, चित्त शुद्ध हो जाता है. पंच तत्व शुद्ध हो जाते हैं. क्या शुद्ध हो जाते हैं बोलो? पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश. पंचकोश बोलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय. पंचकोश कितने बोलो? ये शुद्ध. पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार.
शुद्ध पावन हो जाते हैं। तथाक्षयते प्रकाश श्रवण, आत्मा तो हमारा पावन है, आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय ज्ञानमय तेजोमय आनंदमय। आओ अब अपने आत्मानंद में गोता लगाते हैं, आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में उतरते हैं। पहले अंगुली माथे पर, प्लेस योर फर्स्ट फिंगर ऑन योर फोरहेड, रेस्ट फिंगर्स ऑन योर आईज, क्लोज योर इयर्स विद योर थंब, क्लोज योर माउथ ऑल्सो, टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद योर नॉस्टिल्स विद द हमिंग ऑफ ओम। देखो लंबा गहरा सांस भर के, नाद योग भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम 3 to 5 times मिनिमम करना चाहिए, 7-11 times जितना चाहे उतना कर सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम लंबा गहरा श्वास भरे हुए ओंकार का उद्घोष करते हुए, ब्रह्मनाद करते हुए, ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप करते हुए आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति में पूरे समाहित हो जाएंगे।
कंप्लीट साइलेंस, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ और ओम। ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी हेल्थ एंड ब्रेथ। You are the creator and sustainer of my life. I am existing today because of you. You are my breath, you are my life, you are my love. You are everything for me. Prabhu, aap hi meri sarvasva. हर श्वास के साथ ओम का ध्यान। सामान्य जीवन में 16 श्वास, योगी की 8 श्वास और ध्यान में 4, 2 और 1 श्वास हो जाता है एक मिनट में। जब दृष्टा साक्षी भाव से श्वासों को देखते हैं, शरीर इंद्रियों मन के पार अपने आत्म स्वरूप मैं पूर्ण हूं, मैं इनकम्प्लीट नहीं। इनकम्प्लीटनेस, दिस इज द बिगेस्ट पेन इन अवर लाइफ। वी हैव कंप्लीट नॉलेज, वी हैव कंप्लीट लव, कंप्लीट पीस इन अवर सॉल, इन अवर नेचर। अपनी प्रकृति में ये स्वाभाविक गुण है, यही हम हैं। तत्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम, शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम पूर्णो हम मुक्तो हम ज्ञानमयो हम प्रेममयो हम श्रद्धामयो यम पुरुषः यो यत् श्रद्धा से पुरुषार्थमयो हम। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ लेंगे, दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा कंजन आंखों पर करते आंखों को खोल दे। ऐसे हर दिन ओंकार ध्यान करना। क्या करवाया आपको अभी बोलो? ओंकार ध्यान।